ठीक है, क्योंकि उसको तो तीन तीन की आदत पड़ चुकी है इस टाइम पर. धन्य हो, धन्य हो. डिसहार्टन मत होना, मिलेगी एक ही. डिसहार्टन मत होना, मिलेगी एक ही. ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली फॉर राहुल. थैंक यू आंटी. साहिब आप कुछ कहना चाहेंगे? हरप्रीत दीदी, अगर आपकी राहुल जी जो से शादी हो जाए तो मेरे को भूल मत जाना. आए हाय, दैट्स स्वीट. दैट वाज वेरी वेरी स्वीट. अब राहुल, क्या तुम तीनों परिवार वालों से कुछ कहना चाहोगे फैसला सुनाने से पहले? ये फैसला सुनाना शब्द मुझे बहुत अजीब सा लगता है. मैं अपने भाग्य मानता हूँ कि ये तीनों ने मुझे पसंद किया, इतना सारा प्यार दिया देश दुनिया के सामने. जैसे आंटी ने कहा, शादी एक ही से हो सकती है. मुझे ज़रूर आज मेरे लिए खुशी और गम दोनों की घड़ी रहेगी. मेरे लिए ये निर्णय इतना आसान बिल्कुल नहीं था, बहुत मुश्किल था, बहुत दर्द होगा. मगर आप सभी ने जो प्यार दिया अपने घर पे, यहाँ मुंबई पर, मैं कभी नहीं भूलूँगा. सो मेरे परिवार हमेशा ही, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, कलकत्ता हो, हमेशा ही रहेंगे. इतना बेटे की तरह प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. राहुल, अपना फैसला सुनाने से पहले तीनों दुल्हनों से कुछ कहना चाहोगे? पहले दिन से हमें पता था कि यह दिन आएगा. हम सभी ने इस दिन का इंतजार किया था. सोचते वक्त लगा था कि काफी आसान हो जाएगा, मगर अब जब मोमेंट आ गई है, ये पल आ गया है, तो और मुश्किल हो गया है. आप तीनों ही सचमुच सर्वगुण संपन्न हैं. तो जिसे भी मैं आज स्वीकार करता हूँ वो फर्स्ट अमंग से इक्वल होगी. तो किसी में कोई कमी नहीं है. मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि सभी लोग बेस्ट चीज लाइफ में डिजर्व करते हैं. शब्द नहीं आ रहे मुझे कि मुझे बहुत इमोशनल लग रहा है, क्योंकि निर्णय मेरा होगा, दुख मुझे होगा. कई बार किसी और का निर्णय होने के बाद आप उसको सहन कर सकते हो, मगर अपना निर्णय होने के बाद जो दुख होगा वो मुझे सहन करना पड़ेगा. हम तीनों इतने अच्छे दोस्त बने, मतलब आप तीनों के साथ हम, मैं चारों, कि नुकसान मेरा ही होगा. मगर जिस तरह पद्धति है, जो काम करना है करना है, बट कलेजे पत्थर के करना पड़ रहा है. एंड प्लीज फॉरगिव मी, अगर मैंने कुछ कभी गलत किसी को बोला होगा, कुछ किया होगा, कभी कुछ कहा होगा. आप सबकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ. मेरे लिए अगर स्त्री में देवी का रूप होता है, देवता का रूप होता है, तो तीन देवियाँ आप सचमुच मेरे लिए है जिंदगी में. मैं कभी नहीं भूलूंगा. थैंक यू. अब मैं तीनों दुल्हनों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या राहुल से कुछ कहना चाहेंगी फैसला सुनने से पहले? हरप्रीत. God bless you always. Thank you, Abhi. God bless you too. Dimpy. Krishna. Lambu. आप जो भी फैसला करें आज, आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए. Thank you, Nikhil. अब वक्त है राहुल, पूरे हिंदुस्तान के सामने, इन सारे मेहमान के सामने, अपना सपना हकीकत में बदल देने का, अपना जीवन साथी चुनने के लिए तैयार हो? हाँ राम, तैयार हो. सोमवार से जमुनिया रात 8:30 बजे सिर्फ इमेजिन पर. हम पर्वतराम जो
अपने लगे इस सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 से 11 बजे तक सिर्फ इमेजिन पर। All Clear presents Imagine Blockbusters. Do not disturb. कल रात 8 बजे सिर्फ इमेजिन पर। प्रस्तुत करता All Clear Anti Dandruff Shampoo. The promise of zero dandruff. तैयार हो। Can we have the Jayamalas, please? राहुल, फैसला सुनाने से पहले अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है, मतलब 0.001%, तो ऑडियंस पोल ले ले। ले लो, पूछे तो सही, पूछ लो। Who all are for Harpreet? Who all are for Dimple? Who all are for Nikunj? ये तो 33 33 33 हो गया है। आप लोगों ने सिर्फ ज्यादा कंफ्यूज कर दिया राहुल। आई थिंक राहुल, पता नहीं, अगर तुम वाकई फैसले सुनाने के लिए तैयार हो तो प्लीज। जाओ राम, मम्मी ये फैसला सुनने के लिए सिर्फ हम सभी नहीं बल्कि पूरा देश भी इंतजार कर रहा है। कैन आई रिक्वेस्ट मिस्टर गांगुली टू कम ऑन स्टेज प्लीज। Congratulations, Rahul and Dimpy. Congratulations, Mrs. Mahajan. Congratulations, Mr. and Mrs. Ganguly. एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, फैसला सुनने के बाद अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमको लगता है आई एम द प्राउडेस्ट फादर। हमारा लड़की का जो कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस जो वो दिखाया ड्यूरिंग हर स्टे इन पर्टिकुलरली उधमपुर एंड बॉम्बे फते उदयपुर सॉरी अनपैरेलल्ड, आई मस्ट से अनपैरेलल्ड। उसका लॉजिकल थिंकिंग, उसका मेंटल सेटअप हमें तो सीखना चाहिए। As a father, I say, I must learn from him.
Really? Mrs. Ganguly, मैंने एक बार आपको बख्श दिया था, अब नहीं बख्शूंगा, प्लीज. जिन्होंने नहीं सुना आशी